हेलो गाइस, व्हाट्स अप। कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम की वीडियो। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और मैं ऑफलाइन खेल रहा था तो मैंने डायमंड्स माइन किए थे और मेरे लेगिंग्स भी बन गए और बूट्स भी। तो मैंने आज ये वैसे ही डाले हैं। वैसे तो मैं गोल्डन कारमर डालता हूँ तो मैंने सोचा कि हम टेंपल और पिलेजरों के टावर पर जाकर आएंगे। क्या पता पिलेजर स्पॉन हो गए हैं। देखते हैं, पहले टेंपल में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर अगर कुछ रह गया हो। पहले इधर चलते हैं। इधर क्या है? अच्छा, ये टेंपल में ही जाता है रास्ता। ये मैंने यहाँ से बंद किया था। तोड़ो, लेकिन नीचे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि मैं गया था एक बार तो हाँ नहीं था कुछ भी। तो अभी चलते हैं बाहर। ओह गाइस, आपको पता है मैं इस केव में गया था, वहाँ से मुझे डायमंड्स मिले थे, डायमंड्स। और अभी चलते हैं इधर। ये क्या था? ये क्या है? ये क्या है? ऐसे ही बना पड़ा है। गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये देखो, वैसे सैंड हम लगाते हैं तो नीचे गिर जाती है और ये वाली सैंड ऐसे ही ऊपर पड़ी है। तो मैं चलता हूँ पिलेजरों के टावर पर। तो गाइस, मैं चल रहा हूँ पिलेजर के टावर पर। मुझे लगता गए होंगे स्पॉन, हो गए होंगे। हाँ यार, वो देखो, वो स्पॉन हुआ पड़ा है। ध्यान से जाना पड़ेगा, अभी तो इधर से जाना पड़ेगा। मेरी हेल्थ कम होगी। चलो घर पे चलते हैं, पहले कुछ खा कर आते हैं। अगर पिलेजरों ने मारा ना तो हार्ट कम हो जाएंगे। तीन हेल्थ रहेगी मेरी, तीन। मैं भाग भी नहीं पा रहा डबल टैप करके। तो मैं खाना खा कर मिलता हूँ। तो गाइस चलते हैं। मुझे दो पिलेजर वहाँ पर मिल गए थे। वो देखो वो रहे, उनको मैं मार रहा था। ओ नो, इनको दूर से ही छेड़ते हैं। पानी में गिर गया। अरे मरेगा, चल आया बड़ा मेरे मारने। तो अभी मैं सबको मार कर आपको मिलता हूँ। तो गाइस, मैंने सब पिलेजर मार दिए। और गाइस, मैं आपको एक बात तो बताने भूल गया कि ये वाली स्टेज है ना, इस वैसी स्टेज मैंने इधर बना दी। वाओ, सेम है ये देखो। और मैंने ऊपर भी कुछ चेंजेस किए हैं। ये वाला बेड यहाँ पर था ना, तो ये वाला मैंने यहाँ लगा दिया। और देखो बालकनी, ये मैंने वैसे ही छोड़ा है ऐसे नज़ारा लेने के लिए। और गाइस, वो बताऊँ क्यों नहीं स्पॉन हो रहे थे। मैं इजी पे खेलता था अपना, तो मैं अभी रेड नहीं हुई हमारे गांव पर, मतलब मैं नॉर्मल पे खेलता था ना इसलिए इजी पे। मतलब अब मैं नॉर्मल में किया है मैंने, तो अभी मैं हार्ड पे कर लेता हूँ। तो फिर वहाँ पर ज़्यादा स्पॉन होएंगे तो मैं वो कर दूँगा, उनके लीडर को मार कर गांव पे रेड करवा दूँगा। तो देखते हैं कितनी देर में स्पॉन होते हैं, तो मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस, मैंने ऊपर चढ़ने के लिए ये
चेंज कर दिए। यहाँ पर ग्लास था तो लैडर नहीं लगती थी 1.17 अपडेट में, तो मैंने ये लगा दी अब लैडर। ग्लास पे लैडर नहीं लगती 1.17 पे, दोनों साइड से सेम कर दिया। मैं दोनों साइड से सेम ही करता हूँ। ये मैंने एक रूल बनाया है जब मैंने नया घर बनाया था कि दोनों साइड से अगर बनाऊंगा तो सेम ही बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। अभी तक हुए नहीं स्पॉन, 2 मिनट यहाँ से दिखता भी नहीं ना। चंक से थोड़े से कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। चंक्स तो 6 हैं, वो शायद वीडियो में आते हैं। ये चंक्स नहीं है ये। कितना कैसे दिखता है। वेट गाइस, लेकिन अभी तक प्लेजर का बॉस स्पॉन ही नहीं हुआ। बस प्लेजर थोड़े बहुत हुए हैं लेकिन हुआ ही नहीं बॉस उनका। लेकिन मॉब्स बहुत स्पॉन हुए थे जिसके साथ मुझे एक्सपी मिल गई, तो अभी मैं हार्ड से उसको दोबारा से नॉर्मल, 2 मिनट, हार्ड से दोबारा से मैं इसी पर रखता हूँ, इजी कर देते हैं और पॉइंट सेट कर लेते हैं। पॉइंट सेट हो गया ऊपर, और वैसे ना चलो इजी रहने देते हैं, फिर कल को या परसों को मैं नॉर्मल कर लूँगा। यहाँ पर कर लेते हैं सेट। अरे खुल तो, अभी इसको क्या हो गया था। तो हम विलेजर के पास जाकर आते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या दे रहे हैं। मेरे पास पेपर नहीं है। हाँ क्या दे रहा है, माय गॉड। लेकिन वेट, मैं पेपर बना तो सकता हूँ। अरे चोट लगी, माइनक्राफ्ट में चोट लग गई वे। यहाँ पर मैंने कहीं पर यहाँ पर देखे थे शुगर केन, शुगर केन तोड़कर फिर यहाँ पर लगा लेंगे। जल्दी से चलो, बकेट में लेकर नहीं आया, ऐसे लगते नहीं बिना वाटर से। चलो तोड़ लेते हैं बाद में बकेट लेकर। अरे देख कर जाना पड़ेगा, शील्ड ऑन। यहाँ पर कहीं पर थे वो, रहे वो ये 3 से ऊपर जाते नहीं, 3 लेयर से ऊपर बस 3-3 ही रहते हैं। ये तो हुए भी 2 लेयर हैं। चलो कोई नहीं, अपने आप होते रहेंगे। मैं लगा दूंगा अनलिमिटेड, थोड़ा थोड़ा कर फिर हो जाएंगे। मैं फार्म बना दूंगा इनका, फार्म बनाने के लिए बस आसान चीज़ें चाहिए, रेड स्टोन डस्ट। और लेकिन एक चीज़ चाहिए, पता नहीं कैसे बनती है, ऑब्जर्वर। अनलिमिटेड फार्म बना दूंगा शुगर केन का, फिर अगर मुझे रेड स्टोन डस्ट और ऑब्जर्वर मिल गया तो ऑब्जर्वर की रेसिपी देख लेते क्या, फिर वो चीज़ें ढूंढ कर बना लेंगे ऑब्जर्वर। अगर आसान हुई रेसिपी तो मैं ढूंढ लूँगा, वरना जब रेड स्टोन ढूँढेंगे तब देखते हैं, सर्च करते हैं। ये रहा,
रेड स्टोन डस्ट, टू रेड स्टोन डस्ट, और ये कोबल स्टोन, और नदर क्वार्टर्स भी लगेंगे क्या? व्हाट, मेरे पास तो ऑब्सीडियन भी नहीं है पोर्टल बनाने के लिए, और मैं बकेट लेने आया था, शायद यहीं पर है। नहीं, ऊपर है, तो चलते हैं ऊपर। यहाँ पर भी नहीं है मेरी बकेट कहाँ गई? मैं बकेट को ढूंढ कर आपको मिलता हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे लगता है मैं घूमने गया था ना इधर, तो वहाँ गिर गएगी। मैं ढूंढ कर लेकर आता हूँ। तो गाइस, मैंने ये शुगर केन लगा दी और मेरी बकेट मिल गई थी, वो पिलेजर के टावर के वो चेस्ट नहीं है ऊपर ऊपर, उसमें पड़ी थी। और यहाँ के ब्लॉक जो मैंने थोड़े थे यहाँ लगा दिए पीछे, एक ब्लॉक छोड़कर। तो अभी चलते हैं अंदर। अरे खुल गया बिना बटन दबाए, पहले मैंने बटन दबाया बंद हुआ, फिर से खुल गया। और यहाँ के कारपेट लगाने रह गए, वो ख़त्म हो गए थे ना इसीलिए रह गए। मैं आज या कल कर ढूंढ कर लगा दूँगा। ऐसे कारपेट बनाने बड़े आसान हैं, पहले शेप ढूंढो, शेप के ऊपर डाई मार दो जो कलर के बनाने हैं, फिर बस वो उसको मार दो, वूल बन जाएगी। वूल के साथ बस क्राफ्टिंग टेबल में वूल को डालो, बन गए। और तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो टिल्ड एंड टेक केयर एंड एवरीबॉडी, बाय बाय।